हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। ये नेटवर्क डायग्राम टिपिकली दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं हम सीपीएम मेथड और सेकेंड होता है हमारा पर्ट मेथड। सीपीएम आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट मेथड हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं और ड्यूरेशंस इनके अकॉर्डिंग दी हुई है। ड्यूरेशंस को हम टी के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, टी आई जे इसका फॉर्मेट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड मिनिमम कंप्लीशन टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है जिसका हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है और मिनिमम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है। मैंने सिंपलिसिटी के लिए ये क्रिटिकल पाथ यहाँ पर बना के रखा है दोस्तों। अभी हम समझते हैं कि ये बनाना कैसे है। ये बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। आप देखो, यहाँ पर एक्टिविटीज दी हुई हैं 1 to 2, इसकी ड्यूरेशन है 2, हमने यहाँ 2 मेंशन कर दिया। यहाँ 1 to 3, यहाँ हमने इस नोड को 3 बोला है और इनके बीच के ड्यूरेशन को हमने 2 कहा है। 1 to 4 इज अगेन 2, सो 1 to 4 इज 2। 2 to 5, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये स्टार्ट हो रहा है 2 से और एंड हो रहा है 5 तक। So, एक एरो हम ड्रॉ करेंगे 2 to 5 और इसके बीच की ड्यूरेशन 4 है। एक नोड है हमारे पास 3, वो स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है 6 तक, 3 to 6। ये नोड हमने कनेक्ट कर दिया इस एरो के थ्रू, इसके बीच का ड्यूरेशन हमने 5 यहाँ मेंशन किया। वैसे ही हमने 3 से स्टार्ट करके 7 को जाना है, 3 से स्टार्ट करके हमने 7 को ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट नोड है हमारा 4 to 7, तो हमने ऑलरेडी 2, 3, 4 बनाया हुआ है, तो 4 to 7 को हमने लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट है हमारा 5 to 8, सो ये 5 है हमारा, हमने एक लाइन ड्रॉ किया और 8 नोड को कनेक्ट किया। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि हमें फॉरवर्ड मूवमेंट को जाना है, तो हमने हमने एरो जो रखना है वो हमेशा फॉरवर्ड की तरफ रखना है। नेक्स्ट है हमारा 6 to 8, 6 से 8 ऑलरेडी नोड मेरा बना हुआ है, तो हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है विद ड्यूरेशन 4, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन यहाँ गिवन थी। 7 to 9, 7th नोड to 9th नोड बनाना है और इसको हमें कनेक्ट करना है। 8 to 9 एंड 9 to 10, 8 to 9 इस एरो के थ्रू और 9 to 10 इस एरो के थ्रू। ये बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। इसके दो टाइप की के क्वेश्चंस आते हैं, एक में एक्टिविटीज गिवन होती हैं और एक में हमारे प्रेसिडेंस गिवन होते हैं। एक्टिविटीज के थ्रू ड्रॉ करना डायग्राम बहुत ही इजी है, ये आप देखकर समझ सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अभी जब हमारे पास नेटवर्क डायग्राम रेडी हो जाता है, इसे हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो ये जब हमारे पास नेटवर्क डायग्राम रेडी हो गया, तो इसका हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में दो ही पार्ट हमें इसे कैलकुलेट करने होते हैं जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं अर्लीएस्ट अकरेंस टाइम, और आप स्टेप के फॉर्मेट में अगर समझना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो कि हमारा स्टेप वन है आफ्टर ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम, दिस इज आवर स्टेप वन। स्टेप वन कहता है हमारा अर्लीएस्ट अकरेंस टाइम फाइंड आउट करने के लिए, स्टेप वन टू फाइंड द अर्लीएस्ट अकरेंस टाइम फॉर ऑल इवेंट यूजिंग फॉरवर्ड पास कॉम्पिटिशन। फॉरवर्ड मीन्स हमने ये एरो के थ्रू ही जाना है, तो ये फॉरवर्ड जा रहा है इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए पहला हमारा काम है लेट ईवन की वैल्यू हमें 0 कंसीडर करनी होती है। ई हमारा अर्लीएस्ट के लिए हमने ई यूज किया हुआ है और 1 इज फॉर आर नोड 1, सो ईवन को हमें 0 स्टार्टिंग पॉइंट करना है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ई2 के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है ये 2 नोड है, इसके लिए ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा नोड 1 से, दिस इज आवर E1, तो E1 से आ रहा है, तो हमने इसे मेंशन करना है E1 प्लस इन बिटवीन हमारे पास एक ड्यूरेशन है, उसे हम T से डिनोट कर रहे हैं, तो T1 2, तो ये हमारी वैल्यू हो गई, दिस इज बिटवीन 1 to 2, सो T1 2 हमने कंसीडर किया हुआ है। इसकी वैल्यूज क्या है, E1 की वैल्यू हमारे पास 0 की है, हमने 0 यहां मेंशन किया, प्लस T1 की 2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारा 2 हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी 2, सो E2 की वैल्यू आ गई है हमारी 2, जो कि हम यहाँ मेंशन करेंगे। E1 की वैल्यू हमारी 0 थी, E2 की वैल्यू हमारी 2 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अभी हम नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, E3 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। E3 के लिए हमारे पास E1 प्लस
T13 आ रहा है, ये हमारे पास E1 की वैल्यू है, सॉरी ये हमारे पास है वैल्यू 3 की। ये हमारी E3 की वैल्यू, E3 क्या है हमारे पास, E1 है और E1 to 3 है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो E1 इज 0 प्लस 2 दिस इज 2, तो E3 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि E3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। E4 की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितनी है, 0 प्लस 2 सो विच इज 2। 5 में देखते हैं दोस्तों, 5 के लिए क्या है, हमारे को 2 ऑलरेडी हमारे पास रेडी है, 2 प्लस 4 विच इज गोइंग टू बी 6। 6th पॉइंट को देखते हैं विच इज कमिंग फ्रॉम थर्ड नोड, द वैल्यू इज 2, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 7th नोड को हम देखते हैं दोस्तों, अभी 7th नोड में एक चीज नोटिस करने के लिए है, हमारे पास दो पॉइंट है जहां से वैल्यूज आ रही हैं। एक है हमारा थर्ड नोड दैट इज E3 प्लस T37 और एक हमारे पास सेकेंड पॉइंट से आ रहा है वो है 4 से हमारा, सो E4 प्लस T47। इन दोनों की वैल्यू मेरे को निकालनी होगी। E3 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 8 विच इज 2 प्लस 8 विच इज 10 और E4 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4 विच इज 6, 2 प्लस 4 विच इज 6। अभी इन दोनों में से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो मैक्सिमम कितना है अपने पास 10, तो हमें यहाँ मेंशन कर देना है 10, जो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 7th के बाद हम 8th पे पहुंचते हैं, 8 में हमारे पास 6 वैल्यू है और प्लस 2 है, 6 प्लस 2 हमारे पास 8 हो जाता है। और 9th में देखते हैं दोस्तों, 9 में आने के लिए अगेन दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 7 का, सेकेंड पॉइंट है हमारा 8 का। इसके में वैल्यू आ रही है 10 प्लस 5 विच इज 15 और सेकेंड की वैल्यू है 8 प्लस 3 विच इज 11 और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है अपने पास 15, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 की। अभी 10th वैल्यू को देखते हैं, 10th वैल्यू में क्या है हमारे पास, एक ही आ रहा है विच इज कमिंग फ्रॉम 9, तो 15 प्लस 4 विच इज 19, तो ये हमारे पास सारी की सारी E के वैल्यूज आ गई। इतना करने के बाद दोस्तों हमारा काम है हमें लेटेस्ट अकरेंस टाइम, तो हमारा सेकेंड स्टेप अगर आप कंसीडर करोगे तो हमारा सेकेंड स्टेप है हमें फाइंड आउट करना है लेटेस्ट अकरेंस टाइम। पहले हमने अर्लीस्ट फाइंड आउट किया हुआ है, अभी हमें लेटेस्ट फाइंड आउट करना है। लेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है। रिवर्स ऑर्डर में हमने स्टार्टिंग में E1 की वैल्यू 0 कंसीडर करी थी, हमें हम इसे डिनोट करेंगे L के फॉर्मेट में, विच इज लाइक L ऑफ स्टार्ट, अभी हम बैकवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो L ऑफ 10 से स्टार्ट करना है। L10 को हम कंसीडर करेंगे विच इज इक्वल टू E10 जिसकी वैल्यू क्या है अपने को 19, यहाँ 19 और सेकेंड बॉक्स में भी हमारे पास 19 की वैल्यू आ गई जिसे हम L के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। अभी हम L9 को फाइंड आउट करेंगे, L9 विल बी L10 माइनस, यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों हम माइनस की साइन डिनोट करेंगे, L10 माइनस T9 एंड 10 जो भी वैल्यू आ रही है, L10 इज 19, यहाँ हमारे पास 19 है, माइनस T9 10, दिस इज बिटवीन 9 एंड 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, दिस इज 4, तो ये हमारे पास वैल्यू है 4 विच इज इक्वल टू 15, तो हमारे पास L9 की वैल्यू आ गई 15 जो कि मैच कर रहा है। 9 के बाद हम 8th वैल्यू को देखते हैं, अभी L की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3, अगर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे को वैल्यू आ जाएगी 12 की यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 की, 7 के लिए 9 को यूज करना है, 15 माइनस 5 विच इज 10, 6 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ है 12 माइनस 4 विच इज 8, L5 यूज करते हैं, L5 है हमारा 12 माइनस 2 विच इज गोइंग टू बी 10 ईयर।
फाइव के बाद फोर्थ वैल्यू देखते हैं दोस्तों, फोर्थ के लिए हमारे पास सेवन से स्टार्ट करना है, तो विच इज 10 माइनस 4 इज 6। अभी यहां देखो दोस्तों, हमारे पास थर्ड नोड में, हम थर्ड नोड में अगर मैं बैकवर्ड आ रहा हूं तो यहां बैकवर्ड के लिए टू दो पार्ट आ रहे हैं, एक है सिक्स का और एक है सेवन का। तो अगर हम एल थ्री फाइंड आउट करना चाहें तो मेरे पास दो पॉइंट आ रहे हैं, एक है सिक्स की दैट इज एल सिक्स माइनस टी 36 और सेकेंड है हमारा एल सेवन माइनस टी 37। इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है मेरे को। एल सिक्स इज वॉट 8 माइनस एल दिस इज 5, 8 माइनस 5 और एल सेवन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। इन दोनों में से मिनिमम हमें फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देते हैं मिनिमम 8 माइनस 5 इज 3 एंड दिस इज 2, सो मिनिमम इज 2। तो हमने यहाँ यूज करना हुआ है, करना है वैल्यू 2 को। समझ में आया दोस्तों, यहाँ दो पार्ट है बैकवर्ड में, तो हमने इसे कंसिडर एज ए करना है दोनों में से मिनिमम फाइंड आउट कर। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 के लिए, 2 एक जगह से ही रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, 10 माइनस 4 विच इज 6। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब वापस हमने देखना है दोस्तों यहाँ पर एल वन की वैल्यू, यहाँ एल वन के लिए हमारे पास तीन पार्ट आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 6 माइनस 2 विच इज कमिंग एज 4, सेकेंड पार्ट है 2 माइनस 2 विच इज कमिंग एज 0, थर्ड पार्ट है 6 माइनस 2 विच इज कमिंग एज 4 अगेन। इसमें से मिनिमम मुझे फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम इज एल वन इज इक्वल टू 0, सो एल वन इज 0। इसमें हम चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमारी E1 की वैल्यू और L1 की वैल्यू दोनों अगर जीरो आ रही है, इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर कोई चेंजेस होते हैं, इसका मतलब आप ये समझो कि कुछ ना कुछ हमारे से मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। इसलिए ये वैल्यू यानी कि सोर्स की वैल्यू और हमारी सिंक की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। दिस इज 1919, दिस इज 00, तो हमारी जो नेटवर्क की कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। इतना करने के बाद हमें क्या देखना है, किन किन नोड्स की वैल्यू सेम आ रही है और उन्हें हमें ज्वाइन करना हुआ है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें, दिस इज 00, उसके बाद हमारे पास यहां पर कौन सी मैच कर रही है, दिस इज व्हाट इज मैचिंग, हमने यहां पे एक डबल लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन सा हमारे को वैल्यू में मैच कर रहा है, तो इन तीनों में से ये वैल्यू मैच कर रहा है, तो 3 को हम 7 के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद हमारी वैल्यू कौन सी, ये वाली मैच कर रही है, दिस इज मैचिंग, इसे हमने एक डबल लाइन के थ्रू डिनोट कर दिया। उसके बाद ये हमने लास्ट में यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। तो हम हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ हमारे को हो रहा है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नोड नंबर 1 1 सॉरी दिस इज नोड नंबर 1 2 3 देन 3 टू 7 देन 7 टू 9 एंड देन 9 टू 10। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ, दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ। और इनकी वैल्यूज क्या है, 1 टू 3 में क्या वैल्यू है दोस्तों, इसमें है 2, 3 टू 4 में है हमारे को 8, 7 टू 9 में है 5, 9 टू 10 में है 4। So, इन सभी का सम निकाल देंगे, हमारे को क्या आएगा, अगर हमने सम निकाला तो 8 प्लस 2 10 15 एंड 4 इज 19। तो दिस इज आवर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो हमें फाइंड आउट करना था, मिनिमम कंप्लीशन टाइम, दिस इज आवर मिनिमम कंप्लीशन टाइम इज 19 डेज यहाँ, क्योंकि हमें को डेज में दिया हुआ है और हमारे को क्रिटिकल पाथ 1 3 7 9